हर तरफ हुआ धुआं ही धुआं। पंजाब में जली पराली, दिल्ली का घुट गया दम। जलती पराली की तस्वीरें पंजाब के भटिंडा से सामने आई हैं, जहां खेतों में पराली जलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे धू धू करके जल रही पराली से घना धुआं निकल रहा है, जो दिल्ली एनसीआर में बैठे लोगों का दम घोटने में पूरी तरह सक्षम है। पंजाब में इस साल 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने की 24,000 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पिछले साल के मुताबिक काफी ज्यादा है। पंजाब के किसानों का कहना है कि वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई समाधान नहीं मुहैया कराया गया। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों से 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीदना शुरू कर दिया है, तो हरियाणा में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। और अब बात मुंबई की करेंगे, क्योंकि मुंबई की एक कपड़ा मार्केट में जब आग लगी तो 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए आप। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। फायर फाइटर के जवान आग के खिलाफ जंग कर रहे हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। आग को देखकर लोगों में भगदड़ मची है। आग से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें मुंबई के चर्चगेट इलाके की है, जहां आग से भारी तबाही हुई है। चर्चगेट के पास फैशन स्ट्रीट की एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। एहतियातन आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। आग किस वजह से लगी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई भी हताहत नहीं हुआ। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने अपनी ही स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लेकिन क्यों, क्या ऐसा, जानने के लिए देखिए हमारी एक मिनट की खास रिपोर्ट। एक स्कूटी धू धू कर जल रही है। मौके पर खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर स्कूटी में आग लगी कैसे। अब आपको नारेबाजी की आवाज सुनवाते हैं। ध्यान से सुनिए लोग किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हैं। अब आपको बताते हैं कि आग लगी कैसे। दरअसल नितिन लाल नाम के युवक ने 3.5 साल पहले होंडा की स्कूटी को खरीदा था। आरोप है कि उसने जब से स्कूटी खरीदी थी तब से वो बार बार खराब हो जाती थी, जिसके चलते उसे बार बार सर्विस के लिए स्कूटी को लाना पड़ता था। मुफ्त सर्विस की बात उससे कहकर सर्विस चार्ज की मांग की जाती थी। परेशान होकर युवक ने अपनी खुद की स्कूटी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और अब आपको वाराणसी का वैसा रंग दिखाएंगे जिसे देखकर आंखें आपके चमक उठेंगे। दिखाएंगे कि कैसे वाराणसी में आकाश जमीन पर उतर आया। अलौकिक, भव्य, दिव्य नजारा। ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। झिलमिल करते दियों को देखिए, लग रहा है आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। जहां तक नजरें जाएं, दिए ही दिए जल रहे हैं। गिनती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नजारा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी का है, जो दीपक की रोशनी से जगमगा रही है। करौली धाम में तुलसी विवाह के अवसर पर लोगों ने 5 लाख दिए जलाए। मधुर संगीत और 5 लाख दिए की लौ तुलसी विवाह को भव्य बना रही है। इस मौके पर वाराणसी में उत्सव का माहौल है। बात तमिलनाडु की करेंगे, क्योंकि यहां पर एक शख्स अपनी बेटी को कॉलेज में लेने गया, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। आखिर क्यों, देखिए। बेटी को कॉलेज से पिक करने आए पिता से मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
तमिलनाडु के मदुरई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुछ लड़के एक अधेड़ शख्स के साथ जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे सभी युवक एक शख्स को बेरहमी से मार रहे हैं। रास्ते से गुजर रहे लोग बीच बचाव कराने के लिए आते हैं, लेकिन तभी अचानक लाल रंग की शर्ट पहने एक शख्स हाथ में हेलमेट लेकर आता है और पीड़ित शख्स पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। इसी बीच बाकी लोग भी शख्स की तरफ दौड़ते हैं और जमकर पिटाई करने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शख्स अपनी बेटी को कॉलेज से पिक करने के लिए आए थे। वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके कई धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में स्नैचर्स के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि हर रोज नई घटनाएं सामने आ रही हैं। और ताजा मामला गुलाबी बाग से सामने आया है। स्नैचर्स को नहीं दिल्ली पुलिस का खौफ, सामने आया स्नैचिंग का एक और डरावना वीडियो। दिल्ली में स्नैचर्स के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसकी तस्दीक देता एक और वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे CCTV वीडियो में एक महिला फोन पर बात कर रही है, तभी पीछे से सफेद रंग की स्कूटी पर सवार दो युवक रॉन्ग साइड से आते हैं और झटके से महिला का मोबाइल छीन लेते हैं। महिला तुरंत आरोपियों के पीछे भागती है, लेकिन आरोपी तब तक महिला का फोन लेकर फुर हो चुके थे। ये वीडियो दिल्ली के गुलाबी बाग से सामने आया है, जहां पिछले कुछ दिनों में स्नैचिंग की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई और इसी बीच अस्पताल के बाहर खड़ी ये महिला स्नैचर्स का शिकार बन गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर नाकाबंदी और चौकसी बढ़ाने की अपील की है। औरंगाबाद में जब एक बच्चे को ऑपरेशन के बाद होश नहीं आया तो परिजनों ने पूरा अस्पताल इस सर पर उठा लिया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद बच्चे के होश में न आने पर बवाल मच गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। एक रात पहले बच्ची को अस्पताल में ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब बच्ची को होश नहीं आया तो परिजन इस बात पर भड़क गए और अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में परिजन अस्पताल में तोड़फोड़ करते साफ नजर आ रहे हैं। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के रिसेप्शन पर भी जमकर तोड़फोड़ की, स्ट्रेचर तक तोड़ दिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया। हालांकि अस्पताल में तोड़फोड़ होने से काफी नुकसान हो गया। घटना के बाद मरीज के परिजन मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।